नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 2x² एक्स प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर किया तो इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिल रही है, ए इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा कंपेयर किया तो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 2 और एक्स का कोफिशेंट क्या है इसमें 1, इट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 1 और कॉन्स्टेंट इसमें क्या है सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और हमारी सी की वैल्यू भी आ गई। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट। तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस के 4, ए का मतलब वो क्या 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 1 माइनस 8 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7। अब इसमें हम उसे पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट एक्स, एक्स का हम स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, बी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी आई थी माइनस के 7 और बी की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू कितनी है इसमें 2। ठीक है, तो माइनस सेवन माइनस 1 प्लस माइनस 7i आईटा हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा अगर हमारा क्या दे रखा है ये स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू अगर हमें माइनस में दे रखी है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7i डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड।